नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये अच्छा लगेगा। जैसे बच्चों के स्वेटर में डालिए, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए, जेंट्स स्वेटर में डालिए, इसे आप टॉप में डालिए, चाहे पुलओवर में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 19 फंदे डाले हैं, 6 6 6 और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। अब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और दूसरी लाइन में भी हम सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। पहली लाइन में भी सभी फंदे सीधे और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे, तो दो लाइन कंप्लीट हो चुका है। तीसरी लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और दूसरे कलर के ऊन से तीसरा लाइन और सामने से। तो तीसरी लाइन में हम दूसरे कलर के ऊन से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे कलर के ऊन से हम 5 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। सीधा बुना, सिलाई में 2 बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया। तो सिलाई में 2 बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया, 3। सिलाई में 2 बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया, 4। और ये 5। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट यहाँ से हमारा दूसरा डिज़ाइन शुरू होता है। एक फंदे को स्लिप किया, 5 फंदे को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और 5 फंदे को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। अब रॉन्ग साइड में स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे। ये हमने 5 लपेटे हुए फंदों को खोल लिया। अब 5ों को एक साथ लेंगे और एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन को सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी में एक बार और उल्टा। तो ये 3 फंदे हुए, फिर सिलाई में चढ़ाकर ऊन को वापस अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदा हो गया, और फिर इसी में एक बार और एक उल्टा फंदा। तो ये हो गए 5 से 5 फंदे। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ये एक डिज़ाइन हो गया। अब ये दूसरा डिज़ाइन, एक फंदा स्लिप करेंगे, 5 लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे और 5ों को एक साथ लेते हुए इनसे 5 फंदे बनाते लेंगे, उल्टा बुनते हुए, 1 2 3 4 5। दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट तीसरा डिज़ाइन, एक फंदा स्लिप करेंगे, 5 लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे और इन 5ों फंदों को एक साथ लेते हुए 5 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। लास्ट फंदा, इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और अब हम अपने पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को, बुने हुए फंदे को, सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे।
तो पांचवी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का छठा लाइन है, तो छठी लाइन में हम सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। पांचवी लाइन में भी सभी फंदे सीधे और छठी लाइन में भी सभी फंदे सीधे। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन हम दूसरे कलर के ऊन से बना रहे हैं, तो ये हमारा छठा लाइन कंप्लीट हो गया। अब सातवीं लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से तीन फंदा सीधा बुनेंगे, लेकिन सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा। चौथे फंदे को हम स्लिप कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा, चौथा फंदा इस पांच फंदों का बीच का फंदा यानी तीसरा फंदा है। अब नेक्स्ट पांच फंदों को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। अब देखिए, ये तीसरा फंदा स्लिप किया हुआ फंदा होना चाहिए। ये स्लिप किया हुआ फंदा है, देखिए ये हमारा तीसरा फंदा है। तो इन पांच फंदों को, स्लिप किए हुए फंदे के दो फंदा आगे और दो फंदा पीछे, इन पांच फंदों को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे पांच फंदे हो गए। अब छठे फंदे को हमें स्लिप करना है। फिर नेक्स्ट पांच फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, शुरू में भी तीन फंदे लपेटे हुए हैं और लास्ट में भी तीन फंदे आएंगे। तो इस तरह डिजाइन ये सेट होगा। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिजाइन का आठवां लाइन है। तो लपेटे हुए तीन फंदों को खोलेंगे और तीन फंदों से हम तीन फंदा बना लेंगे। उल्टा बुनते हुए तीन फंदा बनाएंगे, एक बना लिया, दूसरा फंदा हम सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हीं तीनों में एक और फंदा। तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए। अगला फंदा हम स्लिप करेंगे। फिर नेक्स्ट पांच फंदे को हम खोलेंगे और इनसे हम पांच उल्टे फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच। नेक्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर लपेटे हुए पांच फंदों को खोलेंगे और इनसे हम पांच फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच। नेक्स्ट फंदा इसे हम स्लिप करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा इसे हम स्लिप करेंगे। लास्ट में तीन लपेटे हुए फंदे हैं, उन्हें हम खोलेंगे और इनसे हम तीन फंदा बना लेंगे। तो इन्हीं आठ लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है जिससे यह खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। छह फंदे का और आठ लाइन का ये खूबसूरत डिजाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन बेहद आसान और बेहद खूबसूरत है। आशा है ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।